कॉपियों को बंद कर लीजिए, कॉपियों को बंद कर लीजिए। हम लोग आज चौथे दिन के आखिरी सत्र में हैं। कल और परसों का दिन अपने पास शेष बचा हुआ है, जिसमें समाज में व्यवस्था और प्रकृति अस्तित्व में व्यवस्था के बाद कोई बात नहीं, आप तो जो भी लाइन
बैठो 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 आपके साथ आप बताओ हम दोनों का आप दोनों का हो गया आप बात कर लेंगे आप दोनों का हो गया सही दोनों बात कर लेंगे सर को एक लड़की लेगी तक भी तक भी तो कितने लोग अकेले अकेले रहेंगे एक दो तीन आप कितने लोग एक साथ इस टेबल पर सबका तय हो गया कौन क्या बना रहा है
स्पीड तीन हो। इस लाइन का सबका प्रयोग है, इस लाइन पे आप लोग का तय हो गया, आपका भी तय, आपका भी इस लाइन पे आपका भी तय हो गया, आपका भी आपका क्या बना रहे हो आप लोग, काउंट हो गया था, आप लोग का भी हो गया, आप लोग का इधर आपका है, आप लोग का भी हो गया, आप लोग का। अब आप लोग जैसे आप एक इधर 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 जैसे ये जो घर बनाएगा, इस घर को पहले जमीन पे बना होगा या पहले पेपर पे बना होगा? पहले पेपर पे बना होगा या किसी ने अपनी कल्पनाशीलता में इसको बनाया होगा? अगर कल्पनाशीलता में दूसरी तरह का ये बना होता ना, तो पेपर पे भी दूसरी तरह का बनता और आज किसी दूसरी तरह के कमरे की डिजाइन पर हम पहनी होती। तो जो कुछ भी बाहर दिखता है तो हमारी आपकी कल्पनाशीलता में पहले बनता है, बाहर बाद में बनता है। क्या मैंने बात कही कि जो कुछ भी हम बाहर देख रहे हैं बना हुआ आदमी के द्वारा, वो बाहर बाद में बनता है, पहले पेपर पे, और पेपर पे भी बाद में बनता है, कहाँ बनता है? पहले अपनी। अब हम लोग 3 मिनट के लिए अपनी कल्पनाशीलता को उस काम पर लगाएंगे जिसको हमें बनाना है। तो जैसे आग बंद करके आप लोग अभ्यास करते हैं बैठेंगे, लेकिन कल्पनाशीलता किसके बारे में करेंगे? जो हमको बनाना है। तो जैसे उदाहरण, जैसे जिसको समृद्धि पे बनाना है, अब इधर देखो, जैसे किसी को समृद्धि पे बनाना है तो ये सोच सकता है कि हम एक कप टूटा हुआ बनाएंगे, ऊपर से जग दिखाएंगे, या वो ये भी सोच सकता है कि वो एक अलमारी बनाएगा कपड़ों से भरी हुई, एक आदमी का चित्र बनाएगा, कहेगा कि पहनने के लिए भी कपड़े नहीं है, रखने के लिए जगह भी नहीं है। चित्र हो सकता है ऐसा, ऐसे ही कोई कल्पनाशीलता के ऊपर बना रहा है, तो वैसे आप कल्पनाशीलता में सोच सकते हैं कि कोई आदमी है, बैठा हुआ है, कल्पना में खोया हुआ है, सपने देख रहा है, कुछ भी ऐसा बना सकते हैं। ऐसे समझ संबंध सुविधा की बात हो रही है, तो कुछ सुविधाओं का चित्र बना सकते हैं, कुछ लोगों को बना सकते हैं जो संबंध को बता रहा है, कहीं पर समझने की प्रक्रिया चल रही है, चर्चा हो रही है, कुछ पढ़ाया जा रहा है, ऐसा कुछ जोड़ के बना सकते हैं। तो इस तरह से पहले पेपर पे बनाने से पहले अपनी कल्पनाशीलता में सोचेंगे। तो 3 मिनट का समय दूंगा, आप सोचेंगे, फिर 2 मिनट का समय दूंगा आपस में अपने पार्टनर से, दोनों ने अलग अलग सोचा होगा, तो जो भी पार्टनर है उसके साथ चर्चा करेंगे और फिर एक रूपरेखा तैयार करेंगे। लक्ष्य पे भी जैसे देखेंगे तो शुरू करें, पांचवे वाला कैसा है? परिवार में। तो हाँ बना सकते हैं, लेकिन उससे लिख भी सकते हैं, लेकिन उससे लिख जो चित्र बना रहे हो जी लिख रहे हैं चिंता होता होना चाहिए। आप क्या पूछ रहे? परिवार व्यवस्था में जैसे कोई सोच सकता है कि परिवार में दादा दादी है, मम्मी पापा भाई बहन है, ना सुविधाओं का भी आदान प्रदान हो रहा है, भाव का भी, ना ऐसा कुछ सोच सकते हैं। मानव की व्यवस्था में हम बता सकते हैं कि हम किसी आदमी का चित्र बना सकते हैं और दिखा सकते हैं कि वो सम्मान के बारे में सोच रहा है, सुविधा के बारे में सोच रहा है ना, या किसी से बात कर रहा है, कह रहा है भाई आपका सम्मान, मैं और शरीर दोनों है, मैं किससे बात करूं, आपके शरीर से कि आपके स्वयं से, ऐसा कुछ क्रिएटिव बना सकते हैं। तो और सोचिए ना, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही बनाए, जरूरी नहीं। लक्ष्य के बारे में देखें सर, तो जैसे कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, अब स्कूल तो जा रहा है लेकिन स्कूल में खड़े होकर सोच रहा है कि मैं 20 साल पढ़ाई करके करूंगा क्या, है ना, फिर उसमें लिख रहा है कि मेरा लक्ष्य क्या है, क्या करूंगा, ऐसा कुछ क्रिएटिव सोच सकते हैं। कल्पनाशीलता के बारे में जैसे जैसे पेड़ है, पेड़ के नीचे आदमी बैठा है, सोच रहा है कि सूरज चांद तारे इतने सब है, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, ऐसा कल्पनाशीलता में चलता है, ऐसा कुछ भी चल रहा हो आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो 3 मिनट का समय दूंगा मैं, आप अपनी कल्पनाशीलता लगाइए जो विषय पे आपको बनाना है, ये जो विषय पे बनाना है उसके बारे में सोचिए क्या बनाना है। सर आज बनाना है कि कल? आज सिर्फ आउटलाइन खींचना है, बनाना कल है। आउटलाइन मतलब ऐसे रफ चित्र, रफ एक हम लोग देते छोटी सी सीट, उस पर जो बनाना है उसका एक रफ, दो मिनट आप वेट करें। हाँ नहीं वो तो आज बनाएंगे हम लोग, रफ लाइन आज खींचेंगे,
लेकिन फाइनल उसको कल करेंगे, इसलिए आपके पास बदलने का अवसर है। फाइनल कल बनाएंगे, कलर वगैरह बड़े चार्ट पे कर। ठीक है, शुरू करें। तो अब दो मिनट के लिए चुप होकर बैठ जाएं। आपको बात करने के लिए अवसर होगा। आप दो मिनट के लिए चुप होकर बैठ जाएं और आराम से अपनी कल्पना से विचार करें। और उसमें बेसिकली कल्पना किस बात पे चलाना है, जो काम आपको करना है, जो चित्र आप बनाना चाहते हैं कैसा होगा, उसमें क्या क्या होगा, कितने लोग होंगे, क्या कर रहे होंगे, क्या उसका निष्कर्ष निकलेगा, कैसे खींचेंगे, वो सोचिए जरा दो मिनट चुप होकर के अपनी कल्पना से। अब आपको अपने पार्टनर से चर्चा करिए और तय करिए, जो आपने देखा तो उसने देखा उसके बाद पर Thank you.
मेरे प्रेम मिला है, इस पर आपके अपने इमेजिनेशन में जो कुछ करना सीखता है, जो भी सोचा है, जो भी सोचा है उसको आप इस पर एक रफ चित्र बनाना शुरू कीजिए।
ये हो गया।
और इतना ही नहीं करना है, नीचे भी लाइनें खींच के और जो लिख सकते हैं लिख लेना है। अब दूसरी बात ये है, इधर इधर और लिखना बंद करो, पहले जल्दी क्या करो। अब अगली बात, एक असाइनमेंट तो ये हो गया और एक चित्र बनाएंगे, दो काम हो गया। तीसरा काम आज के लिए है, घर पे आज क्या बात, घर पे आज घर के लोगों से क्या बात करें। तो एक बात तो ये करनी है, घर पे पूछ के आना अपने पापा से कि शनिवार को है ना एक घंटे के लिए कॉलेज स्कूल ला सकते हैं क्या। समय सामान्यता ये मान के चलिए कि दो बजे के बाद का, दो बजे से कैसे रहेगा नहीं? समय आप लोगों को मतलब कल बताए कि कौन सा एक घंटा वो आ सकते हैं। तो एक घंटे के लिए मम्मी पापा या दोनों जो भी आना चाहे उनसे पूछ के आना है, कौन कौन आएंगे और कल बताएंगे। एक तो मम्मी पापा ज्यादा प्रेफर करेंगे, मम्मी पापा आ रहे हैं तो ज्यादा है। या और कोई गार्जियन हो, मम्मी पापा बड़े पापा ठीक है, ठीक हो गया। आज क्या बातचीत करेंगे लोगों से, तो आज बातचीत करेंगे सम्मान के बारे में। सम्मान दूसरे को अपने जैसा स्वीकारने का सम्मान है या इन सब के आधार पर सम्मान, तो पूछेंगे उनसे। कॉपी में तो लिखा ही हुआ है ना, पूछेगा कि ये सम्मान ठीक के लिए ठीक है कि ये एक प्रश्न ये पूछ। ठीक, आज हम लोग क्लास को यहीं खत्म करेंगे।